प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हम अपना 15वां पाठ झलकारी के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे और हम इसमें भाषा से के अंतर्गत कुछ जो हमारा हमने तीसरा प्रश्न किया था और यह है लिंग बदलो। प्रश्न है, पढ़ो समझो और लिखो। हमें पहला जो शब्द दिया था पुरुष, उदाहरण के तौर पे इसका महिला रूप लिखा था, मतलब इसका लिंग बदला गया था, पुलिंग को स्त्रीलिंग में बदला गया था। तो ठीक उसी तरह हमें भी हमने ये इसमें विलोम लिंग में बदला था। आप इसे कह सकते हैं कि ये लिंग बदलो या फिर स्त्रीलिंग में बदलो हमें करना है। तो पहला है पुरुष का हमने महिला लिखा, बाघ का बाघिन, वीर पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप होता है वीरांगना। ठीक उसी तरह सम्राट का सम्राज्ञी, विद्वान का विदुषी और उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारिणी में हमने बदला है। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। आज हम करेंगे अपना चौथा प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। तो इसमें हमें जो रेखांकित शब्द है वाक्य दिया गया है, उसका रेखांकित जो शब्द है उसका वचन बदल के वाक्य को दोबारा लिखना है। तो आज हम शुरू करेंगे अपना चौथा प्रश्न और ये भाषा से के अंतर्गत है। तो हमारा चौथा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों रेखांकित शब्दों का वचन, रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो, हमारा पहला है क, पहला वाक्य है क, महारानी शत्रु पर टूट पड़ी। वाक्य पहले लिखते हैं, महारानी शत्रु पर टूट पड़ी। और इसमें रेखांकित शब्द है शत्रु, मतलब हमें वचन किसका बदलना है, हमें वचन बदलना है शत्रु शब्द। तो लिखेंगे महारानी, इसको मैं रेखांकित कर देता हूं। ये हमें पूरा वाक्य बदलकर दोबारा लिखना है, उसमें संशोधन नहीं करना है, एक नया ही वाक्य लिखना है, महारानी शत्रुओं पर, शत्रु एक वचन है, शत्रुओं पर टूट पड़ी। तो शत्रु का शत्रु और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारा दूसरा वाक्य है ख, एकाएक उसकी दृष्टि अंग्रेज सैनिक पर पड़ी। एकाएक
उसकी दृष्टि एकाएक उसकी दृष्टि अंग्रेज अंग्रेज सैनिक पर पड़ी, सैनिक पर पड़ी, उन यहां रेखांकित जो शब्द है, रेखांकित शब्द है सैनिक, मतलब हमें सैनिक का वचन बदलना है, हमें सैनिक का वचन बदलना है, तो हम लिखेंगे एकाएक एकाएक उसकी दृष्टि एकाएक उसकी दृष्टि अंग्रेज सैनिकों पर, सैनिक का एक वचन है सैनिकों पर पड़े, सैनिकों पर पड़ी। एक बार फिर से इन्हें दोहरा लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो ये चौथा जो प्रश्न था, हमें रेखांकित शब्द का वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखना था, जो वाक्य दिया था उसमें रेखांकित जो शब्द है उसका वचन बदलना था, मतलब एक वचन से बहुवचन। वाक्य था हमारा महारानी शत्रु पर टूट पड़ी, हमने इस पे परिवर्तन किया, शत्रु का बहुवचन रूप लिखा है महारानी शत्रुओं पर टूट पड़ी। ठीक उसी तरह दूसरा वाक्य है हमारा एकाएक उसकी दृष्टि अंग्रेज सैनिक पर पड़ी, सैनिक रेखांकित शब्द है और हम इसका बहुवचन रूप लिखेंगे सैनिकों जो होता है, एकाएक उसकी दृष्टि अंग्रेज सैनिकों पर पड़ी, सैनिक का बहुवचन सैनिकों। अब अगला वाक्य है हमारा ग हमारा अगला ग वाक्य है किले में खतरे की घंटी बज उठी, ग है किले में, किले में खतरे की बज उठी, बज उठी, उड़ गया, किले में खतरे की घंटी बज उठी। और रेखांकित शब्द है घंटी, रेखांकित शब्द था घंटी, हम इस वाक्य को दोबारा लिखेंगे, घंटी का बहुवचन घंटियां, इस वाक्य के अनुसार घंटियां हो जाएगा, तो हम लिखेंगे किले, किले में खतरे की घंटियां, घंटी एकवचन, घंटियां बहुवचन, घंटियां बज उठी। तो हमने एक वचन घंटी का घंटियां में परिवर्तन कर दिया, किले में खतरे की घंटियां बज उठी। घ हमारा घ है
भारतीय खिलाड़ी ने करिश्मा कर दिखाया। भारतीय खिलाड़ी ने भारतीय खिलाड़ी ने करिश्मा करिश्मा कर दिखाया कर दिखाया उंगलियां और रेखांकित शब्द है खिलाड़ी, तो खिलाड़ी का बहुवचन लिखना है। तो भारतीय खिलाड़ियों ने करिश्मा कर दिखाया, खिलाड़ी एक वचन है और खिलाड़ियों बहुवचन हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं, ये है हमारा, इसका पुनः लिखना है बाकी को दोबारा। भारतीय खिलाड़ियों ने करिश्मा कर दिखाया कर दिखाया भारतीय खिलाड़ियों ने करिश्मा कर दिखाया। ये था हमारा घ। तो खिलाड़ी एक वचन, खिलाड़ियों बहुवचन, खिलाड़ी एक वचन, इसका बहुवचन रूप हमने इसमें क्या लिखा, खिलाड़ियों। तो एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं, फिर एक और वाक्य बचा है हम उसे करेंगे। किले में खतरे की घंटी बज उठी, इसमें रेखांकित शब्द था घंटी और घंटी एक वचन है, हमें इसका बहुवचन रूप लिखना है। तो किले में खतरे की घंटियां बज उठी। अब हम चलते हैं घ में, भारतीय खिलाड़ियों ने करिश्मा कर दिखाया। तो यहाँ खिलाड़ी एक वचन है, हम इसका बहुवचन रूप लिखेंगे। भारतीय खिलाड़ियों ने करिश्मा कर दिखाया, भारतीय खिलाड़ियों ने करिश्मा, खिलाड़ी ने करिश्मा कर दिखाया, यहाँ इसका बहुवचन रूप क्या होता है, खिलाड़ियों ने। तो भारतीय खिलाड़ियों ने करिश्मा कर दिखाया। तो घंटी का घंटियां, खिलाड़ी का खिलाड़ियों, वाक्य के अनुसार हमने इसमें बहुवचन रूप बदल दिया। अंग हमारा पांचवा वाक्य, एक वाक्य और बचा है, उसके साथ ही हमारा ये चौथा प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो हमारा चौथा प्रश्न है, अरे पांचवा वाक्य है, मेरी सहेली को मेरी सहेली को जामुन बहुत पसंद है, जामुन बहुत पसंद है, उंगलियां, मेरी सहेली को जामुन बहुत पसंद है, और रेखांकित शब्द जो है वो है सहेली, रेखांकित शब्द है सहेली। तो अब हमें सहेली का, सहेली एक वचन है, हमें सहेली का बहुवचन रूप लिखना। तो मेरी सहेलियों को जामुन बहुत पसंद है, मेरी सहेलियों को जामुन बहुत पसंद है, तो हम इसे लिखेंगे, मेरी सहेलियों को बहुवचन में सहेलियों, सर ल पे छोटी ई की मात्रा हो जाती है, जब बहुवचन में आते हैं सहेलियों,
मेरी सहेलियों को जामुन बहुत पसंद है। जामुन बहुत पसंद है। पसंद है पूर्ण विराम। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न, इसी के साथ हमने पूरा किया और ये बहुत ही सरल था। हमने कुछ नहीं किया इसमें, रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप लिख करके वाक्य को दोबारा लिखा है। मेरी सहेली को जामुन बहुत पसंद है, मेरी सहेलियों को जामुन बहुत पसंद है। सहेली का बहुवचन रूप है सहेलियों, यही हमने इसमें परिवर्तन किया है। बाकी शेष वाक्य वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब हम अपने पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। पंचम वर्ण लगाकर शब्द दोबारा लिखो। अभी पंचम वर्ण क्या होता है ये आपने तो पहले पढ़ा नहीं था, और वर्ण में भी हमारे पंचम वर्ण नहीं बताया गया था, तो कोई बात नहीं, आज हम इसे सीखते हैं। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिखते हैं। इसमें पंचम वर्ण लगाकर हमें जो है शब्द जो दिया गया है उन्हें दोबारा लिखना। तो प्रश्न है हमारा पांचवा, पंचम, जैसे कि नाम से ही पता चलता है पांचवा, पंचम का अर्थ होता है पांचवा वर्ण लगाकर शब्द दोबारा लिखो। शब्द दोबारा लिखो। तो इसमें पंचम वर्ण, तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है पांचवा वर्ण कौन सा होता है। सबसे पहले मैं आपको वर्ण, वर्ण के बारे में आपको आप जानते ही हैं। वर्ण वह मुंह से निकलने वाली वह ध्वनि होती है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण मुंह से निकलने वाली वह ध्वनि होती है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। तो वर्ण दो, वर्ण के दो भेद होते हैं आपको पता है, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पे जो हमें पंचम वर्ण की बात कर रहे हैं वो है, और मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ, जो व्यंजन है स्वर तो आपको पता है, व्यंजन जो है उनके भी वर्ग होते हैं। तो सबसे पहले मैं क वर्ग की बात कर रहा हूँ। क वर्ग, कवर्ग में क्या क्या आता है, कौन से व्यंजन आते हैं आपको पता ही है। क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत और अंग। अब आ जाते हैं एक कवर्ग में, ये जो पांचों वर्ण है, ये जो व्यंजन है क, अब एक क के साथ हलंत क्यों लगाया जाता है इसको समझ आ देते हैं आपको। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जा सकते, जैसे अ आ ई ई, उसमें को बोलने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जो व्यंजन है ये स्वरों के साथ ही बोले जाते हैं। और ये जो क हलंत लगा रहे हैं ये शुद्ध व्यंजन है। इसे हम एक व्यंजन है, इसमें अगर हम अ लगे लिखेंगे, अ लगाएंगे तब जाके क बनेगा। तो ये जो क है इसमें अ मिला हुआ है, हमारा जो ये क हम लिखते हैं ये इसमें व्यंजन और स्वर दोनों ही मिले हैं। हमें पता है स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, तो इस क में अ मिला हुआ है। अगर हम शुद्ध रूप से कहें तो क व्यंजन ये है।
गलत या आधा क्लब। आधा क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अ नहीं मिला है, इसको इसमें अ मिला हुआ है, स्वर मिला हुआ है, इस क में स्वर मिला हुआ है। तो अभी मैं शुद्ध व्यंजन लिख रहा हूं, अभी जो मैं लिख रहा हूं कवर्ग के जो व्यंजन है उनको लिख रहा हूं, क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, ढ हलंत और अंग हलंत। तो इनको वर्गों में बांटा गया है, एक कवर्ग कहा जाता है, उसी तरह चवर्ग है, उसको भी लिख देता हूं, तब हम पंचम वर्ण को समझेंगे। ये पंचम वर्ण है, पांचवा, अगर हम इसी गिनती करें 1 2 3 4, तो ये हुआ हमारा पांचवा, और हमारा पूरा ध्यान पांचवें वर्ण पे है। तो चवर्ग के कौन से? च से शुरू होता है, च हलंत, व्यंजन को शुद्ध रूप से हलंत के साथ ही लिखा जाता है। तो पहले मैं लिख देता हूं छ हलंत, च छ, ज हलंत और झ हलंत, या हलंत। उसके बाद ट, टवर्ग के जो है टवर्ग के व्यंजन लिख देते हैं आपको, ट से ही शुरू होते हैं, ट हलंत, ट ठ, ड हलंत का विश्राम समझे मैं लगाते जा रहा हूं, ढ अण, सब में हलंत का विश्राम लगाते जा रहे हैं, त थ द न त, तवर्ग पहला वाला जो शब्द होता है उसी से वर्ग बनता है, ट से, अब ये दूसरा वाला त हलंत, त थ द ध न, न हलंत, और अंतिम वाला है प, प वर्ग, प वर्ग का है, से ही शुरू होता है आपको पता ही, हलंत, ह हलंत, ब भ और म। तो ये थे हमारे व्यंजन, और ये पंचम वर्ण में कौन से हैं, ये जो अंतिम कवर्ग के, चवर्ग के, टवर्ग के, तवर्ग के, पवर्ग के, ये अंतिम जो है इन्हें पंचम वर्ण कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पंचम वर्ण, पांचवा, इनकी संख्या के अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ड या ड न म, ये थे पंचम वर्ण। अब हिंदी में, आधुनिक हिंदी में पंचम वर्ण लगाकर शब्द नहीं बनाया जाता है, काफी कम हो गया है। अब इसके जगह हम बिंदी का प्रयोग करते हैं जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। अब आपने आधुनिक हिंदी में देखा है कि पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं करते हैं, हम शिरो रेखा के ऊपर बिंदी का प्रयोग करते हैं, इस बिंदी को अनुस्वार कहा जाता है और उसी से शब्द बनाए जाते हैं। तो जब अगर हम पंचम वर्ण लगा के शब्द बनाना पड़ेगा तो उसका नियम क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने किया रंग, रंग एक शब्द है हमारे प्रश्न में है, तो हमारा दोनों काम हो जाएगा। अब हमें पंचम वर्ण लगाना है तो इसमें क्या है, जो अनुस्वार को हटाएंगे और ठीक उसके बाद वाला वर्ण पे ध्यान जाएगा हमारा, तो इसको र लिखा, अनुस्वार हटाएंगे, बाद का वर्ण क्या है, ग, अपने ध्यान दिया होगा ग है, तो ग जो किसका है, कवर्ग का है, और इसका अंतिम पंचम वर्ण क्या है, ड, ड, तो इसको हटा करके हम आधा ड या ड हलंत लिखेंगे और उसके बाद ग, तो ये बना हमारा नियम। तो हम रंग को
पंचमण लगा के इस तरह लिखेंगे। तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ये जिस वर्ण के बाद होता है उस वर्ण को हमें देखना। तो रंग में हमने देखा है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है। ये जो अनुस्वार जिस वर्ण के बाद आता है उसके बाद वाला वर्ण हमें पहचानना है और उसको व्यंजन की जो वर्ग है उनमें से उसका पंचम वर्ण हमको देखना। तो हमने रंग में देखा र हमने लिख दिया, अनुस्वारों को हटाना है। बाद वाला वर्ण था ग, ग आता है कवर्ग का और कवर्ग का पंचम वर्ण है अंग। तो हमने आधा हलंत के साथ इसे ऐसे लिखा है अंग और फिर ग। तो रंग पंचम वर्ण के साथ रंग को ऐसे लिखा है रंग। अब आ जाते हैं तो बच्चों ये जैसे अंग है ये आधा ठीक इसी तरह लिखा जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। हल्का निशान यहाँ आधा ऐसे लिखा जाता है, ड आधा ड जो होता है ऐसे लिखा जाता है, आधा न आपको पता ही है इस तरह से लिखा जाता है और आधा म इस तरह से लिखा। तो ये था हमारा पंचम वर्ण। तो अब हम पंचम वर्ण लगा के अपने अपना पांचवा प्रश्न करते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है पहला है रंग जो हमने अभी आपको बताया था। रंग पंचम वर्ण लगा के इसको क्या लिखेंगे? र और ड और फिर ग। रंग चिंगारी, चिंगारी, चिंगारी को कैसे लिखेंगे? ची और अनुस्वार की जगह ग है तो ये भी ड ही लगेगा आधा और उसके बाद में गारी। अगला शब्द है घंटी, घंटी और इसका पंचम वर्ग है अड़ वाला। तो घ लिखा हमने, अनुस्वार हटाया, आधा ड बताया था आपको ऐसे लिखा जाएगा और टी घंटी। भांडेरी ये पाठ में आया था, भांडेरी द्वार, भांडेरी। तो पंचम वर्ण लगा के इसको हम करेंगे। पहले हमने लिखा भा, उसके बाद जो अगला वाला ड है तो ये किसमें आएगा? ड है तो आधा ड डे री भांडेरी। आनंद अगला है हमारा शब्द, आनंद, आनंद पंचम वर्ण लगाएंगे। पहले हमने लिखा आ न, पीछे वाला वर्ण है द तो क्या इसमें आएगा ये न। इसमें क्या पंचम वर्ण क्या है? आधा न और फिर द आनंद। उसी तरह बंदूक, बंदूक पंचम वर्ण ये क्या है? द वाला शब्द है तो इसमें भी आधा न ही आएगा। ब अनुस्वार कभी भी हटाया, आधा न दूक बंदूक। अगला है प्रबंध, प्रबंध शब्द क्या है? प्रबंध
मेरा ब हमने लिख लिया, ध वाला है आगे, ध है तो क्या है इनका पंचम वर्ण क्या होगा, न, प्रबंध, अंतिम में संतोष, संतोष त है तो इसका भी पंचम वर्ण आधा नहीं है, स अगला वर्ण त है, त से ही हमें पता चल जाता है कि अगला वाला वर्ण आधा न है, पंचम वर्ण लगा के संतोष इस तरह से लिखा है। तो बच्चों ये था पंचम वर्ण लगा के हमने शब्दों को दोबारा लिखा, इसका हमने नियम आपको बतला दिया है, तो आप ठीक इसी तरह इसको भी करेंगे। शेष जो है अभ्यास प्रश्न हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही।